नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर पंजाब के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। शिरोमणि कमेटी के नवनियुक्त महासचिव राजेंद्र सिंह मेहता की भारत पहुंचने पर अमृतसर में एनआरआई भूपेंद्र सिंह खालसा की तरफ से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर बोलते हुए एनआरआई जत्थेदार भूपेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि राजेंद्र सिंह मेहता को शिरोमणि कमेटी की ओर से महासचिव नियुक्त करना सम्मान की बात है। वहीं शिरोमणि कमेटी की जो चुनाव हो रहे हैं, मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने का भी प्रयास करना चाहिए ताकि सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की जा सके। वहीं इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के महासचिव राजेंद्र सिंह मेहता और एनआरआई भूपेंद्र सिंह खालसा को बातचीत के लिए धन्यवाद भी किया। अकाली दल की सेवा में अमृतसर विखे हाजिर होया और अकाली दल वास्ते जो भी मैनू कोई सेवा लाई जाऊगी हर वेले हाजिर हाँ। और मन बनाया कि अमेरिका हुण घट रहना तो अमृतसर दे विच ज़्यादा रहना, तो गुरु नगरी की जिहड़ी आ कोई किसी किस्म की भी सेवा हुई तो वह आप समर्पित करके कर दी। सो अज जिहड़ी तुहाडे वल्लों इत्थे लाइब्रेरी की शुरुआत की जा रही है, देखो मैं गुरु नानक एवेन्यू च रहना और इतने आए आ महीने डेढ़ महीने तो मेरी गुस्साखी मैं दर्शन नहीं कर सकया। कल इन्हों का हुक्म लगा सी, इन्हें उदम का सदका, इन्हों के हुक्म का सदका अज सारे इलाके ने वैसे जो पतवंत सज्जन है उन्होंने दर्शन दारे हुए संगती रूप से बैठे हैं, विचार उन्होंने किया। और खुशी की गल है कि इन्होंने एक जी इतने लोकल पार्क है वो बच्चों वास्ते, और क्योंकि सारा जिन्या कलोनिया ने साढ़े पढ़े लिखे सज्जन दियां ने, कोई रिटायर्ड सरकारी महकमे चो, कोई टीचर चो, बहुत ही सत्कार शख्सियत ने, बड़े पढ़ा लिखा सारा इलाका है। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा श्री अकाल बुरंगा से उसके संचालय को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसके चलते गुरुद्वारा साहिब में इस समय काबिज शिरोमणि पंथ अकाली बुद्धा दल जलता बहीर चक्रवर्ती ने ऐलान किया है कि वह किसी भी कीमत पर इस गुरुद्वारा साहिब को छोड़कर नहीं जाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त सिंह साहिबान जथेदार बाबा मान सिंह जी अकाली 96 करोड़ी जो मौजूदा मुखी ने बुढ़े दल के जथेदार ने, पिछले लंबे समय तो यह सौनी बाबा चे सिंह जी, बाबा चे सिंह तो बाद बाबा संता सिंह जी, बाबा संता सिंह तो बाबा सुरजीत सिंह जी, फिर बाबा प्रेम सिंह जी, हुण मौजूदा जथेदार ने जिहड़े बाबा मान सिंह जी 96 करोड़ी मौजूद ने। पिछले लंबे तो पहला जो पिछली बार ये सौनी से साडा ही कब्जा सी, इन्होंने की करिया, ये पुलिस प्रशासन एक एस एच ओ जो सरबजीत सिंह, एक डी एस पी बल, इन्होंने कट्ठे होके बलवीर सिंह तो पैसे लैके इतने ना साढ़े सिंह आपस में कोई गलबात होगी, वह सिंह चढ़ाई कर गया, वह 302 का परचा बाबियां ते दर्ज करके, बाबियां ते फौजां ते दर्ज करके, साडियां फौजां नूं 302 दे परचे दे अंदर करके उसका कब्जा कर लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे जगतार सिंह हवारापुर जिला अदालत ने 18 साल पहले दर्ज एक केस में बरी कर दिया है। पुलिस ने साल 2005 में हवारा के खिलाफ देश के खिलाफ षडयंत्र रचने, सेना बनाने व हथियार इकट्ठा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था, अब इस केस में उसे बरी कर दिया गया है। शहर के निजी स्कूल दशमेश पब्लिक स्कूल में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक छात्रा अचानक स्कूल की ऊपरी मंजिला से गिर गए।
स्कूल के बाहर मौजूद कुछ लोगों ने इसकी सूचना स्कूल के प्रशासन को दी। वहीं स्कूल प्रशासन ने तत्काल इस छात्र को राजकीय चिकित्सालय अस्पताल कोटापुरा पहुंचाया। वही घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक वह छात्रा 9वीं कक्षा का छात्रा है और आज सुबह स्कूल आया था। जब भोजन अवकाश हुआ तो सभी बच्चे भोजन अवकाश में बाहर चले गए, लेकिन वापस नहीं आए। बाहर से आवाज आई कि हमारे एक छात्र का एक्सीडेंट हो गया है और इस पर सभी बाहर निकल गए और वहीं छात्र का चेहरा और जांघ पर चोटें आई थी और यह मानसिक रूप से बीमार है। कभी कभी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह छुट्टी ले लेते हैं। वहीं कक्षा में एक मेघावी छात्र है, उसने ऐसा क्यों किया यह एक रहस्य बना हुआ है। सर एक बच्चा 9th D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਆਇਆ, ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 9:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਵੇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਸ, ਮੇਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਵੇਪਰਸ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ। गुरदासपुर पुलिस की बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वहीं डकैती और नशे में कारोबार के लिप्त 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी गुरदासपुर दायमा हरीश कुमार ने कहा कि विभिन्न पुलिस स्टेशनों के तहत क्षेत्र में डकैती और नशीले दवाओं के कारोबार में शामिल 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़ने में सफलता हासिल की है। उनके पास से पिस्टल समेत ड्रग मनी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਟਰੀ ਖੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੂਲਰ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਬਰੀ ਦਾ, ਡਕੈਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 6 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੈਂਗ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਔਰ 21 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, 11 ਜਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੰਨਾ ਹੈ, ਲਖਨਪਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਪੈਡਲਰਸ ਦੀ। खबर फगवाड़ा से है, जहां पर शुगर मिल फ्लाईओवर के नजदीक एक्टिवा और साइकिल की जोरदार टक्कर में एक्टिवा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि घायल व्यक्ति का नाम मनदीप सिंह बताया जा रहा है। वहीं मनदीप की हालत गंभीर होने पर जालंधर रेफर कर दिया गया है। बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में हादसे होने की खबर सामने आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में स्कूटी सवार की हालत गंभीर होनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है आगे के इलाज के लिए। खबर फगवाड़ा से है, जहां पर एक सड़क दुर्घटना में इस बाइक सवार की हालत जो है वह गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आप बता दें कि स्कूटी सवार और बाइक सवार में भिड़ंत हो गई थी, जिससे ये सड़क दुर्घटना हुई और सड़क दुर्घटना में यह युवक जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी हालत गंभीर हो गई है, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हाँ जी, ये मनदीप सिंह नाम के साडे कोल व्यक्ति आए थे, जिले इलाज हिस्ट्री हैगी एक्सीडेंट की, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਗਰਿੰਦਾ ਮੇਂ ਏਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੈਗ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ
5 किलो हीरोइन बरामद हुई है जो कि एक ड्रोन से फेंकी गई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस को ड्रोन से फेंके गए 5 किलो हीरोइन बरामद हुई है। आपको बता दें कि इस पर अभी कार्रवाई चल रही है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिन पर कार्रवाई की जाएगी। 5 किलो हीरोइन जो है बताया जा रहा है कि ड्रोन से फेंके गए थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से यह खबर है जहां पर सानू एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टारी बाबा गुलाब शाह थान जी लागे एक बैग कोई शक्की बैग देखा गया, जिसते अपनी टीम्स को एक्टिवेट करके ही सर्च स्टार्ट की थी। BSF के नाल असी लैजन लैके तो उत्थे सर्च करन दा सानू एक बैग मिलिया सी। उस बैग विचों 5 पैकेट ही हीरोइन रिकवर हुई है जी, जिसका टोटल वेट 5 kg सी। इंटरनेशनल मार्केट का रेट इन करोड़ से है जी, करोड़ों से है जी। नहीं जी, ड्रोन राही डिलीवरी हुई सी, तो जी मतलब अगले पांडी तक पहुँचने तो पहले पुलिस वालों एक्शन करते हुए रिकवर कर ली गई है। उतों डम डुम चुका के असं इन्हों ट्रेस करांगे। खूनी चाइना डोर ने अब तक कई इंसानों की जान ले ली है और कईयों को घायल कर दिया है। वहीं कई पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद भी चाइना डोर बिकने से नहीं हट रही। दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं चाइना डोर के खिलाफ गुरदासपुर पुलिस एक बार फिर सख्त हो गई है और उसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। चाइना डोर, जिसे हम मांझा भी कहते हैं, संक्रांत में इस्तेमाल किए जाने वाले इस चाइना के मांझे से काफी नुकसान पहुंचता है और खासकर पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। तो सभी से हर साल हर संक्रांत पर ये अपील की जाती है कि इसका कृपया करके इस्तेमाल ना करें, जिसे जब है पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब में अब गुरदासपुर में पुलिस ने इसे जब्त किया है भारी मात्रा में और लगातार इस पर कार्रवाई पुलिस की जारी है। चाइना मांझे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है भारी मात्रा। पंजाब के लिए बहुत मशहूर है और जो भी चाइना डोर रही है ये काफ़ी जानवरों का जो कोई पशु पक्षी इन्हों का काफ़ी नुकसान होया और जोड़े बच्चे कोई राहगीर मोटरसाइकिल स्कूटर पर जा रहे उन्होंने बड़ा नुकसान होया। इस संबंध में DC साहब वालों भी काफ़ी सख्त हुक्म से और कल गुप्त सूचना के आधार पर मिली भी भजन हाइट हाउस है गीता भवन रोड पर उत्थे जो रेड किया तो सानू तकरीबन कोई 9-10 पेटियां बरामद हुई जिन्हों की गिनती की 550 गट्टू जोड़े है वो बरामद हुए। जो महाजन का हाइट हाउस वाले पूछगिछ की गई तो उन्हें दसिया भी मैं जरा बस सुनील कुमार झूला महल का वो लैके आए हैं वो निशानदेही से जो रेड किया गया तो सूँ उतों भी 200 के करीब गट्टू मिल गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा जोड़ा वो दर्ज किया गया सिटी थाने के 243 नंबर FIR है और उदा पूछगिछ से जिन्होंने ये बेचते थे तो जिद को मान सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्रियों के फेरबदल किए गए हैं, जिसमें दो मंत्रियों के औहदों में फेरबदल किया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने गुरमीत सिंह से खनन मंत्रालय वापस लेकर खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं चेतन सिंह जोड़ा माजरा को नए खनन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नवाशहर में कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस की स्त्री विंग की जिला अध्यक्ष मंजीत कौर मंजू पछलावा कांग्रेस का साथ छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गई। इस मौके पर उनके साथ 100 से ज्यादा अन्य महिलाएं भी कांग्रेस छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि मंजीत कौर को पार्टी में शामिल करवाने के लिए शिरोमणि अकाली दल पंजाब की स्त्री विंग की प्रधान हरगोविंद कौर विशेष रूप में मौजूद रही। वहीं उनके साथ शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता व पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बंगा विधायक डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी, जिला अध्यक्ष सुखदीप शुकाल सहित शिरोमणि अकाली दल के अन्य सीनियर नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में शिरोमणि अकाली दल द्वारा नवाशहर के पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर मंजीत कौर को शिरोमणि अकाली दल में शामिल किया गया।
लुधियाना में नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी हाईकमान ने संभावित दावेदारों पर विचार करना शुरू कर दिया है। सानेवाल हलके के विधायक हरदीप सिंह मुंडिया ने अपने हलके के तहत वार्ड नंबर 22 में दोनों संभावित उम्मीदवारों हरप्रीत कौर ग्रेवाल और हरदीप सिंह सोरी को एक संयुक्त बैठक करने का आदेश दिया, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसमें महिलाएं अधिक थी। वहीं हरप्रीत कौर ग्रेवाल और हरदीप सिंह सोरी ने अपनी ताकत दिखाई। मुश्किल भी सुनिया ने मैसेज भी ला के आई हूं इस मीटिंग का, सारी बीबी पहुंचिया ने बहुत बहुत धन्यवाद। यह आम आदमी पार्टी के कामों की गवाही पाता है, विश्वास प्रगाना। बाकी असी लंबे समय तो वार्ड की सेवा करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा यह कि सानू लोगों का प्यार मिलिया। अगों भी असी वार्ड की सेवा करते रहेंगे, वार्ड साडा परिवार है। असी अज तक जिन्नी भी मुश्किल आई पहले दावेदार की साडा एक निजम है, साडा एक भी माण हों वा पंगा का प्यार हों वा। मैं हर हर लवे इतने ही सेवा करता रहा। साढ़े हरदीप कौर जी है, साढ़े साथ भागा वाला ये अभी साझा कर दिता, क्योंकि वाहगुरू की कृपा का बहुत कामयाब रहा। एक बड़ी गिनती में लोगों का जो इकट्ठ है इन्हें हामी भरी है आम आदमी सरकार। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और साड़ी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और साढ़े राष्ट्रीय संगठन मंत्री साडे डॉक्टर संदीप पाठक जी का मैसेज सीगा कि आप क्रांतिकारी सोच में अगे वधाउणा, सुखां दी सेवा करनी है, लोगों के बीच रह के करनी है। अज्ज मीटिंग प्रदीप खालसा जी, हरदीप सिंह सोढी, हरप्रीत कौर गरेवाल, इंद्रपाल गरेवाल साडे ब्लाक प्रधान सारे नाल लै के मीटिंग रखी गई वार्ड नंबर 22 दे विच। सो परमात्मा की कृपा हुई है, हजारों की कला च बहुत वड्डी लोग भैन भरावों ने आशीर्वाद दिता। सो उन्होंने दिलों मैं उन्होंने वादा किया कि जिते तुम इस हल्के का सेवादार बनाया तो वार्ड का भी मैं सेवादार बन के सेवा कर रहा। सारे भैन भरावों नाल लैके बड़ा कट खा रहा कि लोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के कामों को खुश ने, तो मुख्यमंत्री साहब की सोच नैके इतने सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब में रला पंजाब बना चाहते हैं, उन्हें लीते चले हुए हैं। सारे भैन भरा मुख्यमंत्री साहब की सोच के नाल लग के उन्होंने साथ देंगे, पंजाब में रला पंजाब।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाजायज माइनिंग को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में नाजायज माइनिंग चल रही है, जो सरकार बनने से पहले माइनिंग के खिलाफ बोलते थे उनकी शमूलियत के बिना ये संभव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में माइनिंग हो सके और पूर्व जीएसपी बोला कि जमीन पर हो रही माइनिंग पर बोलते हुए उन्होंने आगे बताया कि एक तरफ ये जमीन ईडी के कब्जे में है और दूसरी ओर ये जमीन पर धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, इसकी वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सीबीआई ही इन सब के खुलासे कर सकेगी, इसका भी जिक्र किया है। नकाबपोश और बहरूपिया सरकार का मुखौटा में बार बार ला के सुटिया, आखे जी ना खान देंगे तो ना खावे, खाते भी ने टका खवाउंदे भी ने रज के, उहदा प्रमाण है। हुण तुहानू बंदा हवाई गल करे कोई इंडिविजुअल गल करे मैं समझ सकदा, लेकिन यह स्टेट के पक्ष की गल है, स्टेट के खजाने ये नंगे चिट्टे डकैती मार रहे। 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने रूपनगर के एसएसपी को बुलाया, फटकार लगाई और कहा कि तुम फेल हो। अगर वो एसएसपी को कह रहा है तो एसएसपी सरकार का ही नुमाइंदा है, तुम फेल हो, तुमने इलीगल माइनिंग को कर्टेल नहीं किया। और ये उस वक्त की बात है जब तरन तारण में एसएसपी गुरमीत चौहान का तबादला किया जाता है एमएलए की शिकायत पे। देखिए एमएलए पुलिस की शिकायत कर रहा है, वो मेनू माइनिंग नहीं करने दे जी, हां जी मेरे रिश्तेदार पे केस डाल दिया, हमारी माइनिंग रोक दी इन्होंने, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। ये शिकायत है एमएलए की, पंजाब में जितने धंधे हैं उन पर इनका कब्जा है। बिजनेस पंजाब को बेचना और गिरवी रखना, यही धंधा है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उसके बाद 15 सितंबर के बाद एक शिकायत विशाल सैनी साहब दर्ज करते हैं 23 अक्टूबर को, और वो इनकी पॉलिसी को साथ में लगा के शिकायत दर्ज करते हैं। और गांव है नांगरा कलमोड़ एक खेड़ा कलमोड़, आप कलमोड़ को भूल जाइए क्योंकि ये दोनों इनके जो हदबस्त नंबर है वो एक ही, ये दोनों एक ही जगह है। इसमें पॉलिसी ये कहती है कि मैनुअल माइनिंग अलाउड है, मैनुअल माइनिंग अलाउड है, मैनुअल माइनिंग का मतलब टिप्पर नहीं लग सकता उसमें, ठीक है जी। वहां जेई बैठ के, सरकार का जेई बैठ के, ठीक है, हजारों टिप्पर से रेत निकाल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है, ये कोई पिन तो है नहीं कि जेब में डाल के चल दिए, हजारों टिप्पर जा रहे हैं। मुझे एक ट्रक अगर इंपाउंड हुआ वो बताएं, एक हजूर वहां पहाड़ थे, पहाड़ों को खोद के साफ कर दिया, उसके बाद जमीन से 30 फुट नीचे चले गए, 10 फुट से नीचे जा ही नहीं सकते, इतना नीचे चले गए कि जमीन का पानी बाहर आ गया। और एनवायरमेंट क्लियरेंस है नहीं, कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं। ये वो लोग हैं छुपे रुस्तम नकाबपोश जो ये कह के आए थे कि हम माइनिंग कॉरपोरेशन बनाए, शराब कॉरपोरेशन, शराब की चोरी तो पकड़ी गई, अब दर दर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। तो फिलहाल हर खबर पंजाब का इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही, मैं अनाया शर्मा अब आपसे लोगों विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।